अच्छा ये बताएं, मरियम से हमने पूछा कि भाई अनस आ रहा था तो गार्ड्स ने क्यों नहीं पकड़ा उसको, तो मरियम ने कहा अनस गंदी गली से आता था इसलिए वहाँ पे गार्ड्स नहीं थे। आपकी क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? लॉजिक नहीं, मतलब यही एक्सप्लेनेशन है। अनस कैसे पहुँचता था इतने मुर्तसिम के गार्ड्स से? एक तो मेरा ये था कि शायद उसने हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक रेंट की हुई हो, बट मुझे पता नहीं है मेरा रेफरेंस कितने लोगों को समझ आएगा। सो आई वॉन्टेड टू नो कि आप कि क्या जहन में चल रहा है, कि कैसे आपका क्या आंसर है कि कैसे पहुंचता था मलिक जुबैर? देखिए कैसे पहुंचते थे? सो शूट जो किया वो यही था कि एक पीछे गली से एक दो सीन भी है कि मैं छलांग मार के वहां से जा रहा हूँ। दी ओनली लॉजिकल थिंग इज के देखिए, मलिक जुबैर का ना एक मकसद है जिंदगी में इस वक्त, वो है मुर्तसिम से बदला। ठीक है, उसने बोला है कि इज्जत के बदले इज्जत। तो अ मैन हु इज दैट शार्प, अ मैन हु इज दैट एग्रेसिव, राइट? और उसने खुली धमकी दी हुई है, वो एक कॉलेज के बारे में सीन है कि बदला तो तेरे से मिलूंगा, राइट? सो आई जस्ट फील है कि इतने जब जानी दुश्मन है तो ही वुड हैव स्काउटेड एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे तो नहीं है ना कि जज्बाती है। वो जो जैसे वो हाइस्ट में होता है बैंक के लिए जब, तो उसने पूरा मैप बनाया और उसने एक जगह ढूंढ ली कि उधर से मलिक जुबैर चला जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ही इज लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस क्योंकि जो स्क्रिप्ट के मुताबिक खान मुर्तसिम खान इज अनटचेबल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।